देखते आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन गफ्फार मलिक। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आम इंतखाबात 2024 को जो है ना सिर्फ चंद दिन बाकी हैं और इलेक्शन गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं हल्का एन ए 178 और पीपी 275 के इलाका सीतपुर में, जहां से एमपी के उम्मीदवार हैं जुगू खान गुबांग और मिसेज आमना कैमशप से, जिनके दरमियान जो है ना कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। यहां की आवाम से जानने की कोशिश करते हैं कि वो हल्का पीपी 275 से जो एमपीए के उम्मीदवार हैं कैमल ईशा शमसी की मिसेस और जो है ना जुगू खान गुप्पांग के दरमियान जो है ना कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है, इनमें से वो किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? दोस्त को जी, वजह बस हम उसके साथ हैं तो हम देंगे दोस्त को सपोर्ट जी। ठीक, गुप्पांग ग्रुप, गुप्पांग ग्रुप वजह क्यों वोट क्यों नहीं है आपके? वोट है नहीं यार, क्या वजह? मेरा रियासत का वोट है भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, आपका लियाकत पर देन वोट वाले मीठा का नहीं है, वोट नहीं है। ठीक है, इलेक्शन 2024 होने जा रहे हैं, आप किस जमात को वोट कर रहे हैं? वजह पीटीआई, वजह है पीटीआई, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वजह? काम नहीं दिखाई दे रहे आप, सही यानी कि काम की वजह से, काम की वजह से, बिल्कुल काम की वजह से कर रहे हैं, नजरिया है, काम है। किसको? बस जिसको मर्जी आए, जल कर समझ जाएंगे। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मेरा तो लियाकत पर, लियाकत पर। 2024 होने जा रहे हैं, वोट किसको देंगे? आशिक खान को, आशिक गुप्पा को, यानी कि शेर को। वजह बस साडे नाल खड़ो, सा यकदम होने नाल खड़ो, यकदम होने नाल होला हम वोट देसो। जी देख कहीं बना का ना, ठीक है, जमात जो है ना सपोर्ट देंगे इंशाल्लाह पीटीआई में। वजह, वजह ये है हमारी जान इमरान खान, उसी को वोट, आप वोट पीटीआई जिंदाबाद, नाम बताओ आप पीटीआई साहब, पीटीआई मखदूम रजा बुखारी जिंदाबाद, मखदूम रजा की वजह से पीटीआई या इमरान खान की वजह? हां मखदूम रजा की वजह से। क्यों, क्या खास वजह? रजा मखदूम से मोहब्बत है हमारी, मखदूम रजा जिंदाबाद। इलेक्शन 2024 होने जा रहे हैं, आप किस जमात को सपोर्ट करेंगे? वजह, वजह उनके तरक्याती काम, तरक्याती काम की वजह से नून लीग। चौबीस होने जा रहे हैं, किस जमात को सपोर्ट करेंगे? नून लीग को। शेर बच्चा भी नून लीग जो है मुल्क काम कर सकती है, दूसरी जमात जो है ना काम नहीं कर सकती? ना ना वो नहीं कर सकती, तीन बार वजीर आजम रह चुका है नवाज शरीफ, पहली बार उनको मुदत पूरी करनी करनी थी, जिले के मंसूबे घेनम, यानी कि अब जो इलेक्शन हो रहे हैं अगर वजीर आजम बन जाता है नवाज शरीफ तो क्या वो मुदत पूरी करेगा? मुदत इंशाल्लाह, अब नून लीग की हुकूमत बड़े जोर शोर से आएगी और हुकूमत भी पूरी करेगी, यानी कि आप नून लीग की हुकूमत है? नून लीग जिंदाबाद। इलेक्शन 2024 होने जा रहे हैं, किस जमात को सपोर्ट करेंगे? शेर को। वजह? बस जवान चंगे। कौन जवान चंगा है, नवाज शरीफ चंगा है या मिथलाल आशिक गुप्पा? शबा उत्तू को सारे तोड़ दे, शबा से पीएम की हुकूमत आ गई, यानी कि पीएम की हुकूमत है जो महंगाई है तो साधु शबा से वाले सा को बर्बाद किते, पीएम की हुकूमत है डेढ़ साल, सारे आम सारे मोटर, नहीं नहीं पीएम की हुकूमत है डेढ़ साल है, पीएम की, पीएम ढूंढने दी शबा से, तई मैं रुल्ली फिल हुकूमत है कहीं पता कर रहा हूं, नून लीग यानी कि हूं मुस्लिम लीग नून ओसी ते तो करा दी ऐसा सौखे आज 18 के बाद बर्बाद थी गयो, और शबाज शरीफ या नवाज शरीफ औसी गुप्पा गुरु पौसी वाला सा को सुकून मिल सा, उन्हें अलावा सा कोई सुकून का नहीं। अब तो जो इलेक्शन होने के उम्मीदवार वो तो नहीं है मखदूम साथ देंगे और पीटीआई साथ देंगे, पीटीआई जिंदाबाद, यानी कि कामों की वजह से आप तमाही कामों की वजह से काम है, ये इज्तमाही है, ये किसी के एक या पीटीआई वाले इस्तेमाल करते, नू लीग वाले नहीं करते, कोई नहीं करता, ये सब इस्तेमाल करते हैं, अस्पताल भी है उसमें काम कर रहे हैं, सड़क भी है, स्कूल में टफ बच्चा सेंटर गैनी गार्ड भी बना है, सड़क भी माशाल्लाह, ऐसे जिले में कहीं नजर नहीं आ रही जैसे हल्का 275 में मखदूम रजा हुसैन बुखारी ने इस्तः करके इलाके को तोहफा दिया, इसलिए हम वोट अमानत है उसकी, हम उसकी अमानत उसको वापस करेंगे, आगे देखा जाएगा। दो 20 हो रहे हैं, वोट किसको देंगे?
मखदूम साहब को सर, वजह के इन्होंने रोड बनवाई हुई है। अच्छा। तो इधर का काम माशाल्लाह बिल्कुल फिट किया हुआ है उन्होंने, तो इसीलिए हमारा वोट मखदूम साहब का है। यानी कि रोड की वजह से उसको। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया हुआ है उन्होंने, ये रोड वगैरह नाली वगैरह बगौरी बनवाई हुई है उन्होंने, तो हमारा वोट मखदूम साहब का है। 2024 वोट आप किस जमात को देंगे? वोट जो अच्छा काम कर रहे हैं उसी को देंगे, मखदूम साहब जी। हम भी मखदूम साहब को देंगे। हाँ। इलेक्शन 2024 वोट किस जमात को देंगे? पीटीआई। बच्चा काम किया है उन्होंने, मखदूम रजा बुखारी साहब। पीटीआई यो काम करते हैं ना वो लोग जी, इस वजह से पीटीआई। 2024 आप जो है ना वोट किस जमात को देंगे? इंशाल्लाह जहाँ दिल करेगा वहाँ देंगे। कहाँ दिल करेगा? वैसे जो हकदार है उसे मिलेगा, जो काम करेगा उसे देंगे। वोट काम की चीज है। कौन काम? नाम नहीं ले सकते, नाम पब्लिक नहीं कर सकते। इलेक्शन 2024 वोट किस जमात को देंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वजह ये है कि काम किया है उन्होंने। हाँ बेशक। 2024 वोट किस जमात को देंगे? वोट नून लीग को इंशाल्लाह। वजह मुल्क में अमन होगा, खुशहाली आएगी, इसी वजह से इसको देंगे। वोट शेर को इंशाल्लाह। इलेक्शन 2024 वोट किसको देंगे? वोट जो है ना हम मखदूम रजा हुसैन बुखारी को देंगे, क्योंकि ये सरदार आशिफ हुसैन खान गुपांग का पैगाम था कि वोट जो है ना अपने इलाके के बंदे को देना चाहिए, क्योंकि वो ही काम कराएगा, इसलिए हम मखदूम रजा हुसैन बुखारी को वोट देंगे जी। शुक्रिया जी।